स्टूडेंट्स, आज हम कॉचीज रूट टेस्ट पर कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज सिग्मा एन अपॉन एन प्लस वन की पावर एन स्क्वायर। तो ये सीरीज दी हुई है समेशन फॉर्म में, इसका हमें टेस्ट करना है। ठीक है, अब टेस्ट करने के लिए हम कॉची रूट टेस्ट ही क्यों लगाएं? इसका रीज़न है कि देखिए, हमने बताया कि जो यहाँ सीरीज की nth टर्म होगी, जैसे कि ये गिवन nth टर्म है, इस पर पावर n या n स्क्वायर या n क्यूब, इस टाइप की पावर होती है, यानी n वेस होता है और n की पदों में ही पावर होती है, तब हम कॉची रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो ये पहचान भी है कि हम कॉची रूट टेस्ट क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो nth टर्म पर डिपेंड है कि nth टर्म कैसी है। तो हमने यहाँ देखा कि nth टर्म n अपॉन n प्लस वन, ये क्या हुआ, वेस, और इसके ऊपर पावर भी है n की टर्म में, यानी n के पदों में, तब हम कॉची रूट टेस्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, कॉची रूट टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, फॉर कॉची रूट टेस्ट लिमिट निकालते हैं, लिमिट फाइंड आउट करते हैं, किसकी, यू एन की पावर वन अपॉन एन। मेन ये है, किसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जब टेस्ट चेंज होगा तो लिमिट हमें निकालनी किसकी है वो चेंज हो जाएगा। तो लिमिट हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है, निकालनी है यू एन की पावर वन अपॉन एन की, इस पॉइंट पर एन टेंस टू इनफाइनाइट पर। ओके, तो देखते हैं, और उस लिमिट, इसकी लिमिट वैल्यू जो भी आएगी उस पर डिपेंड करेगा सीरीज का कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट या फिर ऑसिलेटरी होना। देखते हैं, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, यू एन हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो हमने यहाँ लिखा एन अपॉन एन प्लस वन की पावर एन स्क्वायर की पावर वन अपॉन एन, ये वन अपॉन एन क्या है जो यहाँ फॉर्मूले में है, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ यू एन है वो ये है कंप्लीट। तो यहाँ क्या होता है, पावर कैंसिल हो जाती है। देखिए, वन अपॉन एन से क्या होगी, एन की एक पावर कैंसिल हो जाएगी और एक पावर रह गई, यानी एन रह गया। इसका जो सिंप्लीफाई हो गया, सिंप्लीफाई होकर जो रह गया वो ये एन अपॉन एन प्लस वन की पावर एन। ओके, अब हम देखते हैं, देखिए इसको हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में बदल सकते हैं। कैसे, कि हम एन कॉमन लेके कैंसिल कर लें, मतलब डिनोमिनेटर में से एन कॉमन लें और एन कैंसिल कर दें। तो देखिए, यह हमने शो किया है, हमने एन कॉमन लिया, तो एन कॉमन लेने के बाद यहाँ से कॉमन लिया तो वन रह जाएगा, और यहाँ वन में से कॉमन लिया हमने तो वन अपॉन एन रह जाएगा। तो ये एन से एन कैंसिल, न्यूमरेटर रह गया वन, डिनोमिनेटर ये, और पावर कितनी एन जो कि चल रही है, पावर क्या हुआ, कैंसिल होकर एन स्क्वायर थी, एक एन कैंसिल हो गया तो एन रह गया। देखिए, ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन भी। अब आपने ये पढ़ा है फॉर्मूला कि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट हो, और इसको हमने यहाँ लिख लिया वन पर पावर एन तो वन रहेगा, और इस टर्म पर पावर एन, तो ये जो वैल्यू है ये ई की होती है, हम जानते हैं फॉर्मूला होता है वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, ई हमने लिखा है, फॉर्मूला हमें याद है तो आपको याद होगा इसकी वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन टू, टू से ग्रेटर, यानी 2.7 अप्रॉक्स। तो हमें क्या देखना है कि ये जो वन अपॉन ई जो लिमिट आई है, लिमिट वैल्यू किसकी, यू एन की पावर वन अपॉन एन, हमें इसकी लिमिट निकालनी थी, और ये आंसर जो आया वन अपॉन ई आया। अब हमें ये देखना है कि वन अपॉन ई ग्रेटर देन है वन से या लेस देन। ओके, तो हम कैसे देखेंगे कि ई की वैल्यू टू से ग्रेटर है, टू से बड़ी है, वन अपॉन टू, अगर हम वन अपॉन टू ही ले लें तो 0.5 आए, और 0.5 क्या होगा, वन से लेस होता है, और टू से और बड़ा नंबर हुआ यानी 2.7, तो 0.5 से भी छोटा नंबर आया, तो लेस देन वन हो गया। और लेस देन वन के लिए कॉची रूट टेस्ट क्या कहता है, कल हमने फार्मूला लिख दिया क्या क्या कंडीशंस होती हैं,
अगर लिमिट कैसी आए वन से लेस तो सीरीज कैसी होती है कन्वर्जेंट। तो इस सीरीज का जो टेस्ट होकर हमारा आंसर आया है वो कन्वर्जेंट, जो क्वेश्चन में गिवन सीरीज थी वो कैसी है कन्वर्जेंट। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। और सीरीज इसमें क्या है पता है, इसमें एक्सपेंडिंग फॉर्म है, एक्सपेंड की हुई है, समेशन फॉर्म में नहीं है। 1/2, 2/3 × x + 3/4 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 4/5 का क्यूब एक्स क्यूब प्लस सो ऑन इन फाइव। एक्स ग्रेटर यानी एक्स जो है पॉजिटिव है, क्लियर कर दिया एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब यू हमें फाइंड आउट करना है और ये फाइंड करके ही हमने यहाँ लिखा है। देखिए क्या करें कि यहाँ हम ये देख रहे हैं कि एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब यानी स्टार्टिंग यहाँ से एक्स की, हम इस टर्म को छोड़ सकते हैं, तो यहाँ हमने इस टर्म को लेफ्ट कर दिया। तो यहाँ से स्टार्टिंग देखते हैं, देखें एक्स इसके लिए देख लें पहले क्या आएगा, एक्स की पावर वन एक्स की पावर टू एक्स की पावर थ्री, तो एन एट टर्म में क्या आएगा एक्स की पावर है। तो यहाँ कहीं एन एट टर्म लिखेंगे इसमें क्या आएगा एक्स की पावर है। अब यहाँ से देखते हैं, इसको छोड़ दिया, यहाँ से देखते हैं, देखिए 2, 3, 4 तो ये कैसी सीरीज है, ए पी सीरीज है, समांतर श्रेणी है। इसका हमने फॉर्मूला हमने कल लिख दिया था, पहले भी बता चुके हैं, वहाँ से हम एन एट टर्म निकालेंगे तो एन प्लस वन आएगा, नीचे का देखें 3, 4, 5 तो यहाँ एन प्लस टू आएगा। डायरेक्टली समझे अगर कोई सीरीज वन से स्टार्ट होती है तो उसका एन एट टर्म एन होता है, यानी वन से स्टार्ट का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 काउंटिंग गिनती होती है तो एन होता है। चूँकि टू से शुरू है एक आगे से शुरू है तो एन में हमने वन प्लस कर दिया, थ्री ये वन से और दो ज़्यादा आगे से शुरू है तो टू प्लस कर दिया। तो डायरेक्ट हो जाएंगे एन एट टर्म निकालना है, ध्यान रखना है एन एट टर्म निकालने के लिए अगर काउंटिंग है गिनती तो उसका एन एट टर्म एन होता है। और अगर हम टू से स्टार्टिंग करें एन प्लस वन, थ्री से एन प्लस टू, ऐसे फोर से स्टार्टिंग हो तो एन प्लस थ्री बढ़ता जाता है। अब पावर देखेंगे कि यहाँ पावर कितनी है 1, 2, 3 इस पे भी पावर कितनी हो जाएगी एन, तो ये क्या हुआ यू एन। ठीक है अब कॉची रूट टेस्ट अप्लाई कर देते हैं, देखिए फॉर कॉची रूट टेस्ट, कॉची रूट टेस्ट के लिए हमें लिमिट निकालना होता है, लिमिट किसका निकालते हैं यू एन की पावर 1/n का। और इसमें हम ये फार्मूला क्यों लगा रहे हैं कॉची का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पावर एन है, तो जब पावर एन होती है तभी हम कॉची रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं मोस्टली। तो देखिए यहाँ अब हमने जब यहाँ यू एन की जो वैल्यू है वो यहाँ लिखी है एन प्लस 1/n + 2 की पावर एन इंटू एक्स की एन, ये 1/n ये है फार्मूले का, तो ये एन से एन दोनों एन ये पावर में है ये कैंसिल। देखिए क्या रह गया सिंप्लीफिकेशन इसका एन प्लस 1/n + 2 इंटू एक्स, एक्स पर पावर कितनी थी एन और इस पर पावर कितनी है 1/n, तो एन से एन कैंसिल, क्या रह गया एक्स की पावर 1 यानी एक्स, यहाँ से भी एन कैंसिल क्या रह गया। अब इसकी लिमिट हमें निकालनी है, देखिए तो लिमिट निकालना हम पहले भी सीख चुके हैं, हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से एन कॉमन लेके कैंसिल कर दें, तो यहाँ से कॉमन लिया देखिए एन कैंसिल हो गया ये। अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, एन की है क्या लिख दें इनफाइनाइट, देखिए 1 + 1/∞ 1 + 2/∞ इंटू एक्स, एक्स ऐसे ही चलेगा तो ये जीरो ये जीरो, इन कुल मिला के इसका आंसर आया एक्स। तो हमारी जो लिमिट वैल्यू क्या आई एक्स, क्या हम बता सकते हैं एक्स ग्रेटर देन है वन से या लेस देन, नहीं बता सकते क्योंकि x वेरिएबल नंबर है, अननोन नंबर है, फिक्स नंबर नहीं है। तो यहाँ हमें दोनों कंडीशन लिखनी होगी, देखिए x लेस देन वन सीरीज कन्वर्जेंट, x ग्रेटर देन वन सीरीज डाइवर्जेंट, फार्मूला होता है कॉची का। लेकिन अगर x की वैल्यू वन हुई तो कॉची रूट टेस्ट फेल हो गया। अब हमने इन दो कंडीशन के लिए तो बता दिए कि भाई सीरीज ऐसी ऐसी है कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट, लेकिन x इक्वल टू वन के लिए भी तो बतानी है कि सीरीज कैसी है। तो ये x इक्वल टू वन हम कहाँ लिखते हैं, जो हमने यू एन निकाला, देखिए इसका नंबर वन दे दिया, यहाँ पर हम x की जगह क्या लिखते हैं वन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जब हमने x की जगह वन पुट किया, नाउ x इक्वल टू वन पुट इन इक्वेशन वन, तो क्या रहेगा देखिए लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी यू एन। अब हम यू एन की लिमिट निकालेंगे,
लिमिट, तो x यहाँ x की पावर n थी वो 1 हो गया, क्योंकि x की पावर n, x की जगह 1 लिखा, 1 की पावर n, यानी x की पावर n वहाँ से क्या हो गया, डिलीट हो गया। यहाँ जो un था इसमें x जब 1 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी डिलीट हो जाएगा यहाँ से, तो क्या रह जाएगा, ये रहेगा। फिर वही प्रोसेस कि हम n कॉमन लेकर कैंसिल करते हैं, देखिए 1 प्लस 1 अपॉन n, 1 प्लस 2 अपॉन n, और ये जो पावर है n दोनों पर रहेगी, ये वैल्यू e की है और ये नीचे वाली e स्क्वायर की हम जानते हैं, देखिए e अपॉन e स्क्वायर इक्वल टू e से ही कैंसिल, क्या रह गया 1 अपॉन, 1 अपॉन ही हम जानते हैं कि लेस देन 1 होता है, 1 लेस देन के लिए सीरीज कन्वर्ज होगी। तो हमने तीनों कंडीशन की क्लियर कर दिया कि x छोटा होगा लेस होगा, कन्वर्जेंट ग्रेटर होगा डाइवर्जेंट, और x इक्वल टू 1 होगा तब कंपेरिजन टेस्ट, सॉरी कॉची रूट टेस्ट फेल तो हो गया, लेकिन यहाँ फिर भी हमें 1 के लिए लिमिट निकालनी पड़ी और वो हमने देख लिया लेस देन 1, या हम ये कह सकते हैं एक मिनट, यहाँ ये भी फार्मूला लगा सकते हैं नॉट इक्वल टू 0। तो ये सीरीज अगर हम ये डाइवर्जेंट रहेगी, ओके ये गलत हो गया, कॉची रूट टेस्ट नहीं लगाएंगे हम इसमें, यहाँ कॉची रूट टेस्ट अप्लाई कर दिया था, जबकि इसमें वो लिमिट होगा यू एन की लिमिट निकाली, इसमें हम देखते हैं यू एन की लिमिट अगर नॉन जीरो है तो सीरीज डाइवर्जेंट, ठीक।